हिस्ट्री में घटे कुछ ऐसे कोइंसिडेंस जिसे सुनकर आप शॉक हो जाओगे। नंबर वन, साल 1998 में मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक राइटर ने फिक्शनल कहानी लिखी थी जिस बुक का नाम था फ्यूटिलिटी। इस कहानी में एक शिप का जिक्र किया गया था जिसका नाम टाइटन द अनसिंकेबल था। इस शिप के बारे में लिखा गया था कि टाइटन अपने जमाने का एक विशाल जहाज था जो कभी नहीं डूब सकता था, लेकिन अपने पहले ही यात्रा के दौरान टाइटन एक आइसबर्ग से टकरा कर डूब गया जिसमें हजारों लोग की जान चली गई। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस बुक के पब्लिश होने के 14 साल बाद एक ऐसा ही जहाज बनाया जाता है जिसका नाम टाइटैनिक था, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। हैरानी की बात थी कि 14 साल पहले लिखे गए एक बुक में टाइटन और टाइटैनिक की डिटेल एकदम मैच करती थी कि दोनों ही शिप्स को अनसिंकेबल कहा गया था और दोनों ही शिप्स अपने टाइम के सबसे बड़े शिप्स थे और दोनों ही शिप्स अपनी पहली यात्रा के दौरान एक आइसबर्ग से टकरा कर डूब गए। इन दोनों शिप्स ने अपनी पहली यात्रा अप्रैल के महीने में शुरू की थी और दोनों ही शिप्स पर 2500 पैसेंजर सवार थे। क्या इतनी सारी सिमिलैरिटीज एक इत्तेफाक है या कुछ और? नंबर टू, सिम्पसन्स। आपने इस कार्टून के बारे में तो सुना ही होगा, इसे फ्यूचर प्रेडिक्शन कार्टून कहना भी गलत नहीं होगा क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इस कार्टून के कई एपिसोड में ऐसे सीन्स है जो फ्यूचर में सच हुए है। जैसे की साल 2000 के एक एपिसोड में डोनाल्ड ट्रम्प को दिखाया जाता है और जैसा इस एपिसोड में दिखाया जाता है वैसा ही ठीक साल 2015 में व्यू देखने को मिलता है और फिर साल 2003 के एक एपिसोड में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ डेट लिखी हुई दिखती है और फिर साल 2022 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होती है, वो भी एग्जैक्ट उसी डेट पर जो सिम्पसन्स के एपिसोड में दिखाई गई थी। और फिर साल 2006 के एक एपिसोड में ओशन के अंदर शिप टैंक लेकर जाते हुए दिखाई देता है और साल 2023 में सेम वैसे ही एक शिप टैंक ओशन में ले जाई जाती है टाइटैनिक को ढूंढने के लिए। और अभी तक ये नहीं पता चला कि ये सारे प्रेडिक्शन एग्जैक्ट रियल लाइफ में कैसे मैच हो रहे हैं, ये अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर थ्री, अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों ही अलग अलग टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और दोनों की भी हत्याएं कर दी गई थी। इन दोनों में भी काफी कुछ सिमिलैरिटीज थी, जैसे दोनों की हत्या गोली मारकर की गई थी और दोनों को ही उनके सर के पीछे गोली लगी थी और उनकी हत्या के समय दोनों की ही वाइफ उनके साथ थी और दोनों की सेक्रेटरी का नाम एक दूसरे से मिलता था, जैसे जॉन की सेक्रेटरी का नाम लिंकन था और लिंकन की सेक्रेटरी का नाम जॉन था। दोनों की ही मौत फ्राइडे को हुई थी और दोनों के दोस्त का नाम बिली ग्राहम था। नंबर फोर, इस इमेज को ध्यान से देखिए, आपको भी ये दोनों सेम लग रहे होंगे लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इस इमेज में एक शख्स का नाम एंजो फरारी है जो फरारी कंपनी के फाउंडर है और दूसरे इमेज के शख्स है जर्मनी के एक फुटबॉलर मेसुत ओजिल। इसमें सबसे बड़ी शॉकिंग बात तो ये है कि एंजो फरारी की मौत 1988 में हुई थी और उसके ठीक एक महीने बाद मेसुत ओजिल का जन्म हुआ था जो कि हूबहू एंजो फरारी की शक्ल लेकर पैदा हुए थे। ये इंसिडेंट कुछ कुछ पुनर्जन्म से भी मिलता है। नंबर फाइव, साल 1664 में एक जहाज पानी में डूब गया और जहाज में 81 लोग मारे गए लेकिन सिर्फ एक आदमी जिंदा बच निकला जिसका नाम था यो विलियम। इसके 121 साल बाद साल 1785 में एक जहाज दुर्घटना में कई सारे लोग मारे गए लेकिन उसमें भी एक आदमी जिंदा बच निकला जिसका नाम था यो विलियम। फिर इसके 35 साल बाद 1820 में एक जहाज पानी में डूब गया जिसमें भी कई सारे लोग मारे गए लेकिन सिर्फ दो आदमी जिंदा बच निकले जिसमें से एक का नाम था यो विलियम और दूसरे का भी नाम था यू विलियम। तो आपको कैसा लगा इन सभी कोइंसिडेंस के बारे में जानकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।